राख की रस्सी तिब्बत के 32वें राजा सोनकवसेन गांपू के मंत्री का नाम लोन पोगार था। लोन पोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था। वह इतना भोला था कि लोन पोगार काफ़ी चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़े देकर शहर जाने के लिए कहा। साथ में उन्होंने हिदायत दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लेकर के आए। बेटा शहर पहुंच गया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उससे कह सुनाया। लड़की होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन लोन पोगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया उन्हीं भेड़ों के साथ। उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतारकर बेचना उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जो अवश्य लाएगा। एक बार फिर निराश होकर के लोन पोगार का बेटा शहर पहुंचा। वह लड़की उसे फिर मिली और उसने अपनी समस्या इस बार भी उस लड़की को बताई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे खरीद करके उसे वापस घर भेज दिया। बेटे ने खुशी में अपने पिता से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर के लोन पोगार बोला, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर के पिताजी का संदेश सुना दिया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी। शर्त थी कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहने। लोन पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना संभव ही नहीं, इसलिए लड़की की शर्त उसने स्वीकार कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रख कर के जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सिल समेत लोन पोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोन पोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दी।